स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मीज रेसिपी में। आज मैं लेकर आई हूँ रागी के आटा यानी मड़वे के आटे का हलवे की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है एक बॉल मड़वे का आटा, आधा बॉल चीनी और आधा बॉल घी, दो बॉल पानी डालकर एक पैन में और साथ में इसमें डाल दिए चीनी। इसको हम बॉईल कर लेंगे। इस पैन को मैं दूसरी गैस में शिफ्ट कर लेती हूँ। इस वाले गैस में मैंने रख लिया है एक कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी घी। घी आप जब भी मेजरमेंट करें मेल्ट किया हुआ घी लें। घी गर्म हो चुका है, मैंने इसमें डाल दिया मड़वे का आटा। मड़वे के आटे से कई व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे मड़वे की रोटी, मड़वे का डोसा और इसे सिंगल आदि भी बनाया जाता है जो बहुत टेस्टी होते हैं। आप जब भी मड़वे का आटा भुने तो इसे मीडियम गैस पे भुने, क्योंकि अगर हम तेज गैस में भुनेंगे तो हमारा आटा जल सकता है। जब इसे सौंधी सौंधी से खुशबू आने लगे तो मीन्स कि हमारा आटा बहुत अच्छे से भुन चुका है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में मड़वे यानी रागी के कई फायदे बताए गए हैं। शरीर के जलन, किडनी या पथरी की समस्या में भी मड़वे का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी गर्म पानी। जब भी आप मड़वे के आटे का हलवा बनाएं तो गर्म पानी का ही यूज करें, इससे हमारा हलवा बनेगा फ्लफी और बहुत टेस्टी। पानी मैंने इसमें मिला दिया है। इस समय गैस को हाई फ्लेम पर कर लें, इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लें, अदरवाइज हमारे आटे में लम्स आ जाएंगे। अच्छे से इसको एक सार कर लेना है। अब फिर से गैस का फ्लेम मीडियम पर कर लें। और इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर। मड़वे के आटे का हलवा बहुत टेस्टी होता है, साथ में हमारे लिए बहुत पौष्टिक भी है। देखा आपने कितनी आसानी से बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। बच्चे इसका कलर देख के कहते हैं इसे चॉकलेट का हलवा। मेरी भतीजी इसका कलर देखकर इसे हमेशा कहती है कि बड़ी माँ आपने चॉकलेट का हलवा बनाया है, तो मैं भी उसे खुश करने के लिए कहती होती हाँ बेटा आज ही मैंने आपके लिए बनाया है चॉकलेट का हलवा। ये देखिए मेरी भतीजी इसका स्वाद लेते हुए। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।